हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत विशेष जानकारी। जो आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन है वो कल आपका आ जाएगा। इससे पहले एक न्यूज की कटिंग सब लोगों के पास आ गई है और न्यूज पेपर में ये घोषणा हो चुकी है कि ये आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ रही है और असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है, है ना। रेलवे की जो ये वैकेंसी है ना, इसको मैं सबसे अच्छी वैकेंसी कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज के लिए हमारे पास क्या रहता है, इंसेंटिव्स रहते हैं। मान लो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन चलाकर जा रहे हैं, है ना, और ये लोको पायलट आप समझ रहे हैं जो, मान लो कि यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो ट्रेन को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो वो किसी जगह पर गए और वहां पर लेट हो गए तो उनको उतने आवर्स का अलग से इंसेंटिव मिलता है, यानी कि किसी भी जर्नी पर वो गए, ठीक है, और वहां पर उनकी ट्रेन किसी कारण से लेट हो रही है, कोई भी बाधा आ रही है, धुंध है, या फिर मान लो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उन सब चीजों का इनको अलग से इंसेंटिव मिलता है। ये जॉब ऐसी है, अगर आपकी रात को ड्यूटी है तो इसका अलग से इंसेंटिव मिलेगा, मतलब, और सैलरी भी अच्छी खासी। ऐसा नहीं है कि सैलरी कम हो, सैलरी भी बढ़िया। तो ये एक बहुत ही शानदार सी जॉब है, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। और हाँ, इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत होना कि ये तो 5600 वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी से कैसे होगा, कुछ नहीं है ये बात सोचने वाली। ये आपको अभी दिख रहा है 5600, ये वैकेंसी बढ़ेंगी ये तय है ना, ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी ये तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें आपको 10th क्लास, है ना, इसमें आपको 10th क्लास प्लस में इन्होंने लिखा है आईटीआई, और आईटीआई इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, ये तो रुक जाओ, टेक्निकल ग्रेड, हाँ ये रहा, 10th प्लस में आईटीआई, और आईटीआई भी इन्होंने बता दिया है कि आईटीआई कौन कौन सी ग्रेड उससे है, ट्रेड से है, या फिर इलेक्ट्रीशियन से हो, फीटर से हो, हीट इंजन से हो, पूरा इन्होंने लिख दिया है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, यहां पर इसकी क्वालिफिकेशन में बहुत पजलिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 10th प्लस में आपने आईटीआई किया हो, जो ये पर्टिकुलर ट्रेड है, फीटर है, हीट इंजन है, ये सब है, जाबिर, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि 10th प्लस में अप्रेंटिक्स किया हो, ठीक है, 10th प्लस में मेट्रिकुलेशन और अप्रेंटिक्स किया हो, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो अगर ये है, ठीक है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। पहला क्या हो गया, 10th प्लस में आईटीआई, दूसरा क्या हो गया, 10th प्लस में अप्रेंटिक्स, अप्रेंटिक्स भी इसी में, इन्हीं ट्रेड्स में, ऐसे इसने लिखा है, ठीक है। तीसरा क्या है, 10th प्लस में आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा 10th प्लस में आपने डिप्लोमा किया हो, और डिप्लोमा भी किस में, ठीक है, इन्हीं ट्रेड्स में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, यानी कि जो ये वाले हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसको ध्यान रखना कि पहला क्या है, 10th प्लस में आईटीआई, दूसरा क्या है, 10th प्लस में अप्रेंटिक्स, तीसरा क्या है, 10th प्लस में डिप्लोमा 3 साल का, और एक हमारे पास है 12th प्लस में 2 साल का डिप्लोमा, है ना, 12th प्लस में 2 साल का डिप्लोमा। एक और आप कह सकते हो कि आपने बीई या बीटेक की हो, पर्टिकुलरली इन्हीं ट्रेड्स में, ये भी है, बीई, बीटेक, है ना, जो भी हमारी ये वाली चीजें हैं, है ना, इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, पर वो वही भरेंगे जिन्होंने यही ट्रेड से किया है। बीई और बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये जो हैं, आप भी इनको भर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, हाँ, तो इसको ध्यान रखना, जैसे मान लो किसी ने कंप्यूटर की है, जब वो की है, वो इसमें शायद नहीं भर पाएंगे, वो इसमें नहीं भर पाएंगे क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है उनके बारे में। ये एक तरह से हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास पूरी तरह से वैसी वैकेंसी है
जो पूरी ट्रेन की मतलब मैकेनिज्म को समझे, एक तरह से उनको इन्होंने अपॉइंट किया है, कल को कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो उसको हैंडल भी कर सके, ठीक है। ये ऐसे है तो बताइए, सबको क्लियर है ये बात? तो यहां पर ये इसकी क्या है पूरा, है ना, पूरा डिटेल यही है, पूरा इसमें इन्होंने पूरा इसमें यही समझाया है, ठीक है। डिग्री अगर इंजीनियरिंग की है, ठीक है, या फिर है ना किसी भी उसमें डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अब इसमें आयु की बात करते हैं कि आयु क्या है। आयु की अगर बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 साल के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है एससी एसटी को, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल के आप इसको भर पाएंगे। अब इसको समझना, इसमें क्या होता है, एएनपी में आपका एक तो होता है सीबीटी 1, एक होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 दो पार्ट में होता है, ठीक है, सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है, और सीबीटी 2 दो पार्ट में होता है, ठीक है। सीबीटी 1 में क्या होगा, सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के 20, रीजनिंग के 25, साइंस के 20 और सीए यानी कि करंट अफेयर और जीके के मिलाकर 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 75 क्वेश्चन में से मैथ्स 20, रीजनिंग 25, साइंस 20 और सीए करंट अफेयर और जीके मिलाकर 10। ना हिंदी ना मैथ और ना इंग्लिश, कुछ नहीं है इसमें, ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ नहीं है। सीबीटी 1 में अगर आप देखेंगे 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 45% जनरल, ओबीसी की 30%, एससी की 30% और एसटी की 25%, ये इन्होंने रखी है। सीबीटी 2 यानी कि पार्ट बी है ना, सीबीटी 2 में क्या होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, साइंस के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 और करंट अफेयर के 10, ये है, बताओ। तो इसमें मोटा मोटा मैथ्स और रीजनिंग और इसमें साइंस, ये तीन चीजें बहुत काम आती हैं, साइंस मैथ्स रीजनिंग, ये तीन चीज का गेम है। ना हिंदी है ना इंग्लिश है, हाँ जीके जीएस है पर बहुत ही कम, 10 नंबर की है, समझ रहे हो। तो इसको क्लियर करने के बाद है ना, आपका जो पार्ट बी होगा ना वो आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेड कौन सी है। उसके 75 क्वेश्चन पूछेगा 1 घंटे में, और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 35%, और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 35%। तो इसमें आपका एक साइको टेस्ट भी होगा, है ना, इसमें आपका साइको टेस्ट होगा जिसमें आपको साइको देना होता है, साइको टेस्ट होता है, तरह तरह की चीजें आपसे पूछता है वो, ठीक है। अगर एएलपी देंगे तो साइको देना होगा आपको, ठीक है। प्रमोशन क्या है, पहले एएलपी, फिर सीनियर, पहले असिस्टेंट लोको पायलट, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, फिर लोको पायलट, ऐसे इसमें प्रमोशन है। तो बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त जॉब है। आप इसके लिए अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर आपके लिए यहां पर कोर्स भी अवेलेबल है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इस कोर्स को आपको लेने के लिए रेलवे, और यहां पर आपको दिखेगा एक तो है आरआरबी एएलपी, है ना, आरआरबी एएलपी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरआरबी एएलपी का अलग से कोर्स है जहां पर आप जाएंगे और बाय नाउ करेंगे Y761 अप्लाई कर देंगे, 498 रुपए का ही दिखा रहा है, 480 रुपए में ही मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको एक मिल रहा है रेलवे महापैक, रेलवे महापैक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे महापैक में आपको वो सारे बैचेस मिल जाएंगे जो आपके आएंगे रेलवे के, क्योंकि देखो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ ही चुकी हैं। तो यहां पर अगर आप रेलवे महापैक से जुड़ते हैं तो ये आपको 1800 रुपए में मिल जाएगा। जैसे ही वैकेंसी आएंगी रेट सभी के और बढ़ेंगे, तो आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आज और कल में ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर ये आपको अवेलेबल है Y761 कूपन कोड के साथ। एएलपी आपको अवेलेबल है 500 रुपए में, और रेलवे महापैक आपको अवेलेबल है 1800 रुपए में। कूपन कोड पहले से लगा होगा उसको हटाकर इस कूपन कोड को लगा देना Y761 Y761। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाएंगे
तो आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका बैच भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, अप्रेंटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्पेक्स वाले अप्लाई कर तो सकते हैं, पर बाद में जब टेस्ट होगा तब उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन फिर यहीं तक है ना, मिलते हैं फिर आपको रेगुलर क्लासेस में। और हाँ, इस संडे, इस रविवार को मैं आपके लिए 4 घंटे का संपूर्ण मैथ्स लेकर आ रहा हूं इस संडे को। ठीक है, इस संडे है ना, इस रविवार को आपके लिए है ना, सुबह 9 बजे 4 घंटे का संपूर्ण मैथ्स लेकर आ रहा हूं, तो इस क्लास में आना मत भूलना। ठीक है, कहीं भूल जाओ, ये अब समय है अपनी तैयारी को और मजबूत करने का। ये वाली क्लास ये सबके लिए है, चाहे आप रेलवे के हैं चाहे कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें जरूर आइए और अपने साथ दिखाइए और इसमें गेम घुमाइए। 4 घंटे संपूर्ण मैथ्स इस रविवार को। तो आज का सेशन फिर यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।